अदालत करे छै टेस्टो पनि मांग रहल छै सर्वोच्च को या करू न नै मानै छै अच्छा मुर्दाबाद 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 फाइदैना 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 हमर नाम रोबिन दास भेलै। नागरिकता के सर्वोच्च से फैसला कल के कि नागरिकता दे के जन्मसिद्ध के संतान के लागी अभी तक कल के पत्र आवे कि हम 4 बजे आ के हम जानकारी कराए तर उ की कल के पत्र के लागी हमरा सब के रुकल के मगर वेला से जे न्यूज के भर में हमरा सब के जे रोक दल के आ वही तकिंदा से होते न्यूज पर पत्र चले भेल कि राजपत्र में से देते कह के मगर उ राजपत्र के आयल के नहीं मान लक के आय नहीं मानल के राजपत्र के अभी तक मगर न्यूज के कारण हमरा सब के अभी तक रोक दल के न्यूज देख के ही कर न्यूज के भर में रोकल गेल है हमरा सब के पत्र के लागी रुकल के मगर न्यूज के भर में आय रोक दल के अखन सीडीओ साहब से अपने से छलफल के लिए की कहल सीडीओ साहब कल के हमरा सब के अभी तक सर्वोच्च में भ रहल है के से संसद चले वेले से होते क्रिया का तब अहां सब के जानकारी करब चार चार काल से रहो धन्यवाद छी अपने के की नाम हम नागरिकता बिन संघर्ष समिति के अति धनसा जिला के केंद्रीय सदस्य भेले आय की बात है नागरिकता विधेयक पारित कर दल के सब चीज भ गेले ग आय आगे हर एक चीज में छाप देने जनकपुर कूदे में सब चीज में छाप देने के आय से नागरिकता देते के क्या जब वार्ड वार्ड में सिफारिश भ गेला सिफारिश भ के एले ग आ तै के बाद में आय सीडीओ ले एलिए त सीडीओ कहे कि 8 बजे देखियो ओकरा सब के 4 बजे तक ओकरा सब के जूम मीटिंग चले है बोल को हमरा सब ओहन आदेश नहीं देने के क्या आ हमरा सब टाइम खलास करके आ तै के बाद में कहे कि रोकी सकियो के क्या आ हमरा सब ओल झा के रखने की से बोलो हम सब आए बोलो हर एक मतलब वार्ड वार्ड में बोलो हम आए बोलो कार्य विधि जे है तो सूचना पठेबे अनुसार से बोलो डॉक्यूमेंट लके एते के क्या लेकिन हमरा सब के बैठा के हमरा सब बुर्वक बनबे है धन्यवाद अपने समस्या नागरिकता वाला कॉलेज से भोरे से खुल गेले अभी तक भाई जो उहे लागी रखले चले अभी तक नहीं बंद खुले बंद कर देल के का दूर फिर हाँ रोड जाम करबे की छलफल भेले उ सीधा डायरेक्ट बात कह रहे बंद आले हमरा सब लग पर्चे पत्र अभी आले है भोरे से खुलल छे अभी आले पर्चे पत्र अभी बंद कर दल गया हाँ हाँ अचानक बंद कर दल गया रोका कर ले मगर अभी कल के आले पेपर अभी बंद कर दल गया हाँ अभी हाँ सीडीओ सीडीओ के कह जाए खोले के लागे धन्यवाद छे अपने के हमर नाम अमित कुमार शर्मा धनसा जिला के ओरी गांव पलीगाम हम सब अभी विरोध में विगत 8 वर्ष से नागरिकता प्राप्ति के लागी संघर्ष में लागल छी बिल्कुल हम आय अब आय के एक्सपीरियंस अपने के करल छी आय हम वार्ड से सिफारिश ल के सीडीओ कार्यालय पुगलिए सीडीओ कार्यालय कथी कह रहा है हमरा सबके परिपत्र नहीं आयल छै हम सब नागरिकता दिए के नहीं मिलते जबकि गृह मंत्रालय से हम सब गृह मंत्रालय से परिपत्र ल के तब अल पुगल आदमी काठमांडू से है न और ओकरा सबके शुक्रवार के ही परिपत्र कह चुकल छै ई सीडीओ कार्यालय के कमी कमजोरी से है न ई सब वार्ड में अभी तक परिपत्र नहीं कने छै और सिफारिश देबे के लेल लेकिन आइ देखू कथी बेले एकरा सबके मिलो मत से होय कि होय अभी जाकर सर्वोच्च अदालत रोका कह दल के ठीक छै लेकिन अभी के डेट में सर्वोच्च अदालत रोका कह दल की अभी सीडीओ के सर्वोच्च अदालत के परिपत्र आ गेलै कि गृह मंत्रालय के परिपत्र आ गेलै और एना करो के हम सब शुक्रवार के परिपत्र ल कायल आदमी आज दिन भर नागरिकता पाव के योग्य भ के भी नागरिकता नहीं मिलले लेकिन आज एगो न्यूज के पर सीडीओ के ई न्यूज मानना जरूरी छै हम सब कहलिए कि पूरा समाचार में सब सीडीओ के SMS कह चुकल गृह मंत्रालय ई सब नहीं मानलक लेकिन आज एगो न्यूज के मीडिया के भर पर ई सब मान रहल कि हम नागरिकता नहीं वितरण करबै कि
मीडिया झूठ नहीं बचाओ विशेष परिपत्र तो शुक्रिया पार्क आब गए मीडिया आए मीडिया सबके स्टूडियो नहीं माना पड़े परिपत्र आये आई दिन भर नागरिकता हम सब भूखले अल दिन भर पीड़ित भग करा चिच्चा नागरिकता के लिए अँ के नहीं मानते लेकिन एगो एगो आई जो एक सबके लिखित नहीं आए वही के लिए आप नागरिकता बंद कर देवे ये कहाँ समय के उचित है कहू तो कहाँ समय के उचित है हम मतलब बुझे देश में पहाड़ी मदरसी के विरोध के कारण ही विभेद के कारण ही आई नागरिकता नहीं मिले मदरसों के ये ठाव पर आई मधेसी स्टूडियो रहते तो कुछ हमारे सबके बारे में माया लग पीड़ित लगे और अँ के हम कह चाहे ये नागरिकता के समस्या है मधेसी के समस्या नहीं होल आज के दिन में नहीं सपोर्ट भले वही कारण से और वर्षों से ही विवाद है लेकिन पहाड़ी रहू मधेसी ओकरा गृह मंत्रालय के आदेश माने के छे कि नहीं हमरा कहो जवाब दो आई सी डी ओल भी बाहर आब के आई ओकरा के कमी कमजोरी से नहीं नागरिकता मिले माने से अदालत जे भी फैसला करते अलग ठाव में है कि नहीं लेकिन आई ओकरा कौन हक छे अधिकार छे रोक के नागरिकता कहू आई अँ के अभी हम प्रूफ देखा दे बीरता मोड़ में दू गोरा नागरिकता पल गए सब कैला कि कानून बन के आये ना राजपत्र में प्रकाशित भले राजपत्र आप कहो स्टूडियो के पर वही में लिखल से तुरंत यो कारण कार्यान्वयन में आने से बने SMS ये नहीं मान लगे सब राजपत्र के SMS कल के गृह मंत्रालय स्वयं हम सब गृह मंत्रालय ने धरना धकाए आदमी नागरिकता बनवैली ये ढीलो करी अपना मर्जी से एना तो करके नहीं मिले ना देना चाहिए एगो चीज रह गए मेन चीज जेने उ सब न्यूज के भर पर हमारे के मतलब पत्र नागरिकता दिए वाला कार्य नहीं कल के तेहने एगो न्यूज के भर पर ये नागरिकता नहीं देवे बंद नहीं करे पड़े जब तक परिपत्र नहीं हेतु पत्र परिचालन नहीं हेतु तब तक हमारे के नागरिकता वितरण हुए पड़े ये हमारे के मांग है एगो चीज आर जेना आज के दिन में नेपाल में कोनो नियम संविधान कोनो कानून नहीं है कैल कि सब सब कोई के था है कि संविधान में जे जे विधेयक पास कल के से सब कोई के सहमति द्वारा सांसद द्वारा पारित भाग गेल चले जे के दू दू बेर पारित भाग तो विधायक वो राष्ट्रपति चले पारित कले ओकरा ऐसे ऊपरी कोनो कानून नहीं छे न्याय के ओकर ओकर कोनो अथी नहीं छे फिर भी जे सर्वोच्च अदालत छे ओई के रोक लगे ऐ के हम सब विरोध में छी हमरा सब के नागरिकता पावे पड़ले जी ई ओकरा अधिकार में नहीं छे वो अपना अधिकार से बेसी कर रहल छे 76 साल में KPO ले आदेश लाए तो उनका कहना हमारे सर्वोच्च के कि इस संसद से आवे के चाहे संसद के प्रक्रिया से आके तकला बने पारित अब तो संसद के प्रक्रिया से पारित भग गया तब जाके किया लोकल कहे जब एहन बनल कान बनल तब तो नहीं लोग के हक चले राजपत्र में कसल निष्के माओ छू यहाँ चल राजपथ में निष्के को माँ हेरा छू यहाँ चल राजपथ कहा निष्के छ रिपोर्ट के बंद कर दू तो न्यूज के भर पर बंद करना मिलते का सबके यो राजपत्र छे ना के हो यो हे यो सीडीओ कार्यालय रुआंडा पैसा के कुछ ह वाला लिखित पत्र आइ सके कुछ नागरिकता वितरण गर्न को लागि उच्च अदालत यो छ हेर्नु हेर्नु यो हेर्नु पर्नु ल उच्च अदालत को रहेछ त्यसको पनि मान्य रहेछ न सर्वोच्च को यहाँ पढौ न के नै मान्ने छ और अहाँ सबके एक अलग जते भी साथी सब पत्रकार साथी सब हम जानकारी कराबे चाहे छी कि अ देश में ना एगो बोक्सी है एगो धामी है बुझलिए ना एगो भूत लगबे एगो भूत छोड़बे है सदन भूत छोड़बे है सदन भूत छोड़बे है न्यायपालिका भूत लगा दे ऐसा पहले कथी बेले विद्यादेवी भंडारी रहे राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद से निर्णय पारित कर फेर पारित कर लेलक नागरिकता विधेयक मंत्री परिषद से निर्णय कर फेर कथी कल न्यायपालिका रोक दिल्क ते दुआरे दू दू बेर ते दुआरे कथी है कि अई देश में ना कोनो कानून नहीं कोनो सिस्टम नहीं जरा जे मन हो से करे एगो भूत लगे एगो भूत छोड़बे हम एगो चीज कह चाहे छी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी MLA आ राप्रपा जे विरोध करे ना के विधेयक के जे व्यक्ति विरोध कर रहे जे पार्टी हम कहाँ चाहे हम कहाँ चाहे छे एक चिंता विरोध जे करे हम कहाँ चाहे छे माननीय रवि लामे छाने जी के एक दिन नागरिकता नहीं रहे तो संसद पद गेल रहे एक दिन नागरिकता नहीं तो गृहमंत्री पद गेल रहे तखनी में पत्रकार साथ जे पूछने रहे तो मुँह से आवाज नहीं निकले ओकरा मुँह से आवाज निकले अइ देश में 10 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष अइ व्यक्ति सबके नागरिकता नहीं कतई पीड़ा में कतई दुख में होते से बात बुझ दिए पड़े नेपाल सरकार के न्यायपालिका के न्यायपालिका भी देश में भ्रष्ट है अंध है न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं से प्रचालित है से हमारा शंका उपशंका है देश में सब खाली नहीं मधेसी युवा सब जरे खिलवाड़ जिंदगी जरे खिलवाड़ करे के लगी सब
हरेक किसिम के नौटंकी दिखा रहा है। नौटंकी पर पहाड़ी जरे भर रहा है सब, अभी तक विरोध के कर रहा है। हाँ अहम पूछे जकर बाप माता रही देश के नागरिक नागरिकता पहने बेटा बेटी कतः के नागरिक है, नेपाल के नागरिक तो बेटा बेटी के दिए गए लगी। अभी तक जो अभी तक अहम के विधेयक प्रमाणीकरण भले वही विधेयक के रोक के लगे आज सर्वोच्च अदालत एक्शन लेके वही सर्वोच्च अदालत से जवाब दिए पड़े कि आज से कुछ दिन पहले दू दू चोरी पास होकर राष्ट्रपति ने गेल छे 15 दिन भित्र दोसरोपल्ट प्रमाणीकरण का लगी राष्ट्रपति कहाँ गए 15 दिन भित्र साइन कर पर्च तेखर सर्वोच्च में रिट पड़ा खेल तो सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिए आज चाहे तैयार तो अदालत आदेश दियो यो कुरा पूरे कि सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश सब बिकाऊन बिकाऊ भैया उसे आज लोक कुन आधार ने रोके कारण देखा कुने कारण देखा कारण दिन आज सर्वोच्च अदालत आदेश अंतरिम आदेश रोक्न को खो तो कारण देखा कारण दिन पो कारण रोके कहाँ को संविधान को कुल पाना में लेखे कारण सर्वोच्च अदालत ने देखे नहीं कारण सीधा रोक के लगे आदेश आई सीडीओ जो अभी तक बाजि रहा है कि ये सीडीओ अभी कह के जा तक नहीं आदेश है हमारा सबके ता तक नागरिकता दिला नहीं मिलते अभी आदेश चल आए सीडीओ सीडीओ ऑफिस के सीडीओ प्रमुख के अभी आदेश आए नागरिकता रोक के लगे आदेश आए न्यूज के भर में उस अपना मनमनी करे यहाँ अलग भीतर एगो है ना जो खुनते रोके के आदेश में गोर लगे भगवान के हाँ निमन भले के दर्शकबिन एनाते हमसब अहि क्रम में अखन अठाम आंदोलन भ रहा है लगे हम सीडीओ साहब से बातचीत कर जा रहा यह विषय में मैं हिजो भी आपको धारणा राखे थे जन्म को आधार में नागरिकता प्राप्त करेगा नागरिक को संतान वंशज को आधार में नागरिकता दिने गरी ऐन जारी भएको छ। यो चाहिँ यो ऐन अनुसार को कार्यान्वयन गर्ने ऐन र नियमावली ऐन 2079 मा संशोधन भयो नागरिकता ऐन 63 र नियमावली चाहिँ ऐन जारी भन्दा अगाडि 78 मै नियमावली बनिसकेको थियो। ऐन र नियमावली को प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ मेसेज आएको थियो गृह मंत्रालय को आधिकारिक पुसबाट। अब हामीले सब प्रमुख जिला अधिकारीले यो विषयमा अब स्पष्ट रूप में खासगरी गाइडलाइन सहित तपाईको चेकलिस्ट सहित निर्देशन लिखित निर्देशन आउनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरु उठाएका थियौ। त्यही विषयमा आज जुम मिटिङबाट छलफल पनि भएको थियो 2 बजे देखि र नागरिकता ऐनको नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन सहितको विषयमा केही दुविधा भएका कुराहरू हामीले राख्यौं र चाहिँ हामीले हाम्रो तयारी जस्तै यहाँहरुलाई भने जस्तै कतिपय पालिका वडाहरुले नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन जारी भएपछि केही सिफारिस गरेको हामीलाई नोटिसमा छ उहाँले सिफारिस गर्नुभएको छ भनेर आज कतिपयले हामीलाई सोध्नु भएको थियो। हामीले ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई हामी परिपत्रको माध्यमबाट स्थानीय तह सबै पालिकाहरुमा धनुषाको सबै पालिकाहरुमा हामी पठाउँछौं र त्यसलाई चाहिँ त्यो पठाइसकेपछि यहाँहरुलाई पनि सहजीकरण हुन्छ भनेर हामीले त्यो तयारीमा थियो। हाम्रो ड्राफ्ट पनि तयार छ र यही बीचमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै केही चाहिँ समाचारहरू चाहिँ सूचनाहरू प्रकाशित भएको छ चाहिँ न्यूजहरुमा आएको छ जो यो नागरिकता ऐनको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन रिट परेको थियो त्यो रिटको चाहिँ आदेश अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ र मलाई लाग्छ यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भइसकेपछि यसलाई पूर्ण रूपमा फैसला नहुन्जेलसम्म अथवा अर्को आदेश नभएसम्म यो अहिले जुन नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने विषय छ यो संशोधन संशोधित हिसाबमा खासगरी जन्मको आधार लगायत केही प्रावधान जुन संशोधन भएको छ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीलाई जटिलता भएको महसुस भएको छ। अब त्यो त महोत्तरीमा सोध्नुहोस् है। अब मलाई थाहा भए अनुसार हामी सबै मन्त्रालयले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा हामी अघि भर्खर हाम्रो सम्पन्न भएको छ त्यसमा यही विषयहरू खास गरी यसको कतिपय प्रावधानहरूलाई पालिकाहरूमा हामीले पुर्याउने पालिकाहरूसँग छलफल गरेर यसलाई सहजीकरण गर्ने र व्यवस्थापकीय सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले दैनिक रूपमा अन्य सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ चाहिँ त्यो सेवाहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि जुन अहिले यहाँ धनुषामा मोटामोटी करिब 20,000 को हारारीमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्तानको मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि 3 जना 2 जनादेखि 3 जना गर्दाखेरि पनि 40,000 को
आकलन हामीले गरेका छौँ हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि प्राप्त हुने निवेदनहरूलाई हामीले अनलाइन सिस्टमबाट पनि निवेदन लिन सक्ने गरी एउटा सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने एउटा तयारीमा हाम्रो करिब करिब अन्तिम चरणमा छ र दिनमा प्रतिदिन हामी कति नागरिकता दिन सक्छौँ त्यस्ता जन्मको आधारको सन्तानहरूले नागरिकता अनुसूची हामी कहाँ दर्ता भइसकेपछि कति दिन सक्छौँ भन्ने पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ किनभने हामीले दैनिक रूपमा अहिले नागरिकता 120-30 जान्छ प्रतिलिपि 200 हारारीमा जान्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र 150 हारारीमा जान्छ राजधानी 100 जान्छ र यो सबै सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ भएको जनशक्तिहरू चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूलाई दिने सन्दर्भमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ थप चाहिँ रिसोर्सहरू खास गरी चाहिँ डेस्क खडा गर्नुपर्ने कम्प्युटर इन्ट्री गर्नुपर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने भावनाले यसको लागि पनि हामीले तयारी त गर्नु पऱ्यो किनभने आएका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह सहज गर्ने विषयहरूको पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको थियो अब यही बिचमा यहाँले भने त्यस्तो खालको आदेश भएको भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ विभिन्न समाचारहरूमा सुन्न आएको छ यो विषयमा पनि हामीलाई गृह मन्त्रालयले केही स्पष्ट त चाहिँ पार्ने हिसाबमा आइ नै हाल्छ तर हाम्रो चाहिँ ऐनमा भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ तयारीको चरणमा चाहिँ हामी छौँ तपाईँले कागजातको कुरा गर्नुभयो कागजात लिएर आएका सबै कागजात लिएर आएका व्यक्तिले पनि आज नागरिकता दिएन अब कागजात त नहुनेलाई त नदिने कुरा भयो तर कागजमा आएको छैन होइन सिफारिस कतिपय कतिपयवटाहरूबाट चाहिँ व्यक्तिहरू पनि चाहिँ यो नागरिकतालाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने अगाडि कहिले बनाउने भनेर हामीलाई यहाँ भेट्नु पनि भएको थियो हामीले उहाँहरूलाई स्पष्टसँग राखिसकेका छौँ त्यही हुनाले अब त्यो विषय चाहिँ अब यो अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमै हुँदाखेरि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको भन्ने चाहिँ छ त्यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया स्वतः चाहिँ अहिले स्थगित हुन्छ र सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सन्तानहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो सकिएको अवस्था छैन सकिन्न होला र सँगसँगै अरू जुन प्रावधानहरू ऐनले समेटेको छ त्यो पनि अहिले चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भोलिदेखि अब आन्दोलन सुरु हुन्छ यसको के गर्नुहुन्छ अब होइन यो विषय त अब यसो छ यो सर्वोच्च अदालत सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विषय हो र यो विषयमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि यस्तो खालको छ बुझ्नु होला पनि भनेका छौँ चाहिँ अब आन्दोलनको विषय त अब हामीले यो भन्ने विषय भएन यसो छ सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रवक्ताज्यूसँग मेरो कुरा भएको थियो उहाँले चाहिँ यसको आधिकारिक प्रमाणित गर्ने काम बाँकी छ तर चाहिँ अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको विषय उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ और दर्शक बिन अपने सब देखली कि अखन हम सब सीडीओ साहब से बात कैली तो सीडीओ साहब कल किया कि सर्वोच्च अदालत द्वारा रोका कल गेल छै और तेनाहिते अखन धर के लेल जानकी टेलीविजन में विदा चाहब हम प्रियंका देखित रही जानकी टेलीविजन नमस्कार।